हेलो फ्रेंड्स तो आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट साइंस जो कि आपके एमडीएस नीट में या फिर जो भी यूपीपीएससी जो एग्ज़ाम कैंडिडेट करवाती है डेंटल सर्जन के लिए उसमें पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आता है निकॉल्स की साइन निकॉल्स की साइन क्या होता है जहां पे लॉस ऑफ एपिथेलियम होती है ड्यू टू रबिंग रिजल्टिंग इन रॉ सेंसिटिव सरफेस मतलब कि अगर कहीं पे भी आ, कुछ भी इंफेक्शन है या कोई भी वुंड है अगर आप उसको रब करते हो तो वहां पर एक एपिथेलियम लॉस हो जाता है और एक रॉ सेंसिटिव आपको दिखता है जो कि ज़्यादातर किस में देखने को मिलता है pamphigus में फैमिलियल बेनाइन क्रोनिक पेम्फिगस और फॉर्म ऑफ एपिडिस बुलोसा दूसरा आता है साइन ऑस्पिट साइन क्या होता है पिन पॉइंट ब्रीडिंग सीन आफ्टर स्केल्स आर स्क्रैप्ड ऑफ जब भी आपका बुंड का जो स्केल है वो जब आप स्क्रैप ऑफ करते हो तो वहां पर ऐसे छोटे छोटे ब्लीडिंग पॉइंट्स आपको दिखते हैं उसको बोलते हैं ऑस्पिट साइन ये दिखता है सोरिया में अब बात करते हैं साइन ये होता है इरेग्युलर थिकनिंग ऑफ द स्टर्नोक्लाइविकल पोर्शन ऑफ द क्लैविकल क्लैविकल का जो स्टर्नोक्लाइविकल पोर्शन होता है वो इेगुलरली थिक हो जाता है ये ज्यादातर दिखता है हमें कंजेनाइटल कंजेनाइटलिस बात करते हैं ट्रॉसियोसाइन

टैपिंग एन इंडिविजुअल चीक इन फ्रंट ऑफ दिन इन टिटेनिश की ट्विचिंग होती है कॉन्ट्रेक्शन होता है जब आप चीक पे अपने टैपिंग करते हो इन फ्रंट ऑफ द ईयर जो आपका चीक का पोर्शन होता है उस पर अगर आप जनरली टैपिंग करते हो तो फेशियल मसल की ट्विचिंग होती है सिक्स आते हैं बेटल साइन बेटल साइन आपने सर्जरी में कई बार सुना होगा बेटल साइन होता है इकाइमोसिस इन द पोस्ट ऑरिकुलर रीजन ओवर द प्रोसेस मतलब कि कान के पीछे आपको एक ब्रूजिंग दिखेगी ड्यू टू ब्लीडिंग ये होता है सब कॉन्डाइलर फ्रैक्चर में या फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग द बेस ऑफ द स्कल अगर बेस ऑफ द स्कल में आपको फ्रैक्चर हुआ है सब कॉन्डाइलर फ्रैक्चर है तो बेटल साइन आपको देखने को मिलेगी फिर सेवन पे आते हैं ग्यूरिन साइन ग्यूरिन साइन का मतलब होता है इकाइमोसिस नियर ग्रेटर पेलेटाइन फोरामेन जो ग्रेटर पेलेटाइन फोरामेन होता है वहाँ पे आपको इकाइमोसिस या ब्रूजेस देखने को मिलेंगे ये आपको जनरली देखने को मिलता है लीफोट वन फ्रैक्चर में सर्जरी में आपने लीफोट वन लीफोट टू लीफोट थ्री फ्रैक्चर पढ़ा होगा तो ग्रेटन साइन आपको लीफोट वन फ्रैक्चर में देखने को मिलता है अब आते हैं रकून साइन के ऊपर रकून साइन मतलब कि आपके आंखों के ऑर्बाइट एरिया में आपको ब्लैकनेस देखने को मिलेगी ये होता है जो कि रकून एनिमल से रिजेंबल करता है अब आते हैं हैंगिंग ड्रॉप साइन के ऊपर जो कि रेडियोग्राफ पे दिखता है इसको टीयर ड्रॉप साइन भी कहते हैं ये होता है ड्यू टू द हार्निएशन ऑफ द इनफीरियर ऑब्लिक एंड इनफीरियर रेक्टस मसल तो ये दिखता है आपको ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर में और ये बेस्ट आप डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हो वाटर प्रोजेक्शन रेडियोग्राफ में आते हैं क्रोस साइन प्रेजेंस ऑफ एक्सिलरी फ्रैक्लिंग सीन इन वॉन रेकलिंग हॉसन न्यूरो फाइब्रोमेटोसिस कि एलिफेंट मैन सिंड्रोम भी बोलते हैं यहां पे आपके आर्म पिट्स में फ्रैक्लिंग हो जाती है लाइक like पिगमेंटेशन आपको दिखते हैं इसे बोलते हैं क्रोस साइन और ये किसमें आपको दिखता है वॉन रेकलिंग हॉसन न्यूरो में अब आते हैं इलेवन नंबर पे जो कि है मर्फी साइन मर्फी साइन का क्या मतलब होता है इंक्रीज डिस्कम्फर्ट और इंस्पायरेटरी अरेस्ट ड्यूरिंग डीप इंस्पिरेशन द द एग्जामिनर गाल फोसा जस्ट द लिवर एच मतलब कि जब भी आप बहुत डीप इंस्पिरेशन करते हो मतलब आप जब गहरी सांस लेते हो तो आपको लिवर एच पे एक डिस्कम्फर्ट फील होता है ये सबसे ज्यादा सीन होता है कॉलेसस्टाइटिस में अब आते हैं लास्ट साइन पे जो की है टेनल साइन टिंगलिंग और प्रिंकलिंग एलिसेटेड बाय द ऑफ एन इंजर्ड नर्व ट्रंक एट और डिस्टल तो द साइट ऑफ द लीजन जहां पे भी आपको लीजन है वहां पे जब आप टैप करते हो परकस करते हो तो वहां पे आपको टिंगलिंग और प्रिंकलिक सेंसेशन होते हैं ये इंडिकेटेड रहता है ड्यू टू द नर्व रीजनरेशन मतलब कि वहां पे नर्व का रीजनरेशन हो रहा है ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है कार्पल टनल सिंड्रोम में तो ये थे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट साइन जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं